हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 2023 जाते जाते आपकी कौन सी दो बड़ी विश को पूरा करेगा या आपकी लाइफ में क्या अच्छा करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 2023 जाते जाते आपकी कौन सी दो बड़ी मुराद विश को पूरा कर जाएगा या कौन सी दो बड़ी खुशी आपको देगा और आपकी लाइफ में क्या अच्छा कर जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 8, इमोशनल विड्रॉवल। ओके गाइस, नंबर 8 का कार्ड आया गाइस, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। ये कह दो गाइस कि आपके अबंडेंस के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं कबूल हो जाएंगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित होगी जो शायद आपके आपके अभी नज़रों के सामने नहीं आई है, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं आपको मिलनी ही है। एक फेटेड चीज़ें कहते हैं ना गाइस, कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियों का बनना वो आपकी लाइफ में होगी। कह सकते हूँ मैं गाइस कि ये जाते जाते 2023 जो है, मतलब इसने जितनी तकलीफ आपको दी है ना, एक्चुअल में हुआ क्या है गाइस कि सुधार की तरफ ही आपकी लाइफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2023 आपके लिए बुरा चीज़ों को ही लेकर आया है ना। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि 2023 में जो बीता समय है उसमें आपके उतार चढ़ाव का लेवल जो है ना, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, ये चीज़ें चलती रही। लेकिन एक ये भी होता ना गाइस कि एक किसी इंसान की लाइफ में सुखद वाले पल, एक अच्छे मोमेंट लाइफ में आना, जो कोई इंसान प्रार्थना कर रहा है, कुछ कोई इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन सामने से अगर वो चीज़ों के फलीभूत होकर आना, यानी मतलब आपके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब आपकी उतनी कोशिशें नहीं होना है ना, खुद आपकी इच्छाएं पूरी हो जाना एक समय पर। जैसे मैंने कहा ना अभी कि फेटेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, मतलब आपके कर्मों का अच्छा फल आपको मिलने वाला है गाइस। ये 2-3 महीने जो बचे हुए हैं ना, ठीक है, इनमें देखना आपकी आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हुई नजर आएगी आपको। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होगी गाइस जिनमें ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छा भी होगा ना, तो आपका मन जो है ना वो एक बार उस पर बिलीव करने पर कतराएगा। जैसे ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि ये 2023 जो बीता है ना, इसमें आपके उतार चढ़ाव बहुत रहे, तो हो सकता है कि चीज़ें सुधार की तरफ आपको दिखे, तो आपका मन ऐसा करेगा कि ये फिर से ठीक होगी, फिर से बिगड़ेगी, फिर से ठीक होगी, फिर से बिगड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इस बार जो आपके मन में ये सवाल उठ रहा है ना, ये आपको गलत साबित कर देगा। और इसमें मैं खुश भी हूँ, और इसमें आप खुद भी खुश हो जाओगे कि हाँ, मेरे मन में जो नेगेटिव विचार आए थे, नेगेटिव भाव आए थे ना, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गए। अब मेरी लाइफ में वाकई में सुधार हो रहे हैं, अब मेरी लाइफ में अब उतार चढ़ाव नहीं है, संघर्ष नहीं है, थोड़ी लाइफ आसान है। कहीं ना कहीं कह लो गाइस, यहाँ पर मुझे आपके मन की संतुष्टि, सुकून ये फील हो रहा है, आपका इमोशनली फुलफिलमेंट जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। जो परेशानियाँ या घाव जो थे ना आपकी लाइफ से, वो निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं गाइस, वो आपके घाव जो है ना वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपको सुधार देखेगा। अब एक बात बता दूँ आपको, सपने में वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, ये डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि एक समय तक में मिलना लिखी हुई होती है और एक समय का ही वेट करती है। तो ये है गाइस, कुछ ब्लेसिंग देखना आप मालिक के, कुछ गिफ्ट देखना आप मालिक का जो आपको मिलता है। मे बी एक बात कह दूँ इन आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि ये 8 का कार्ड है ना, केवल आपके अच्छे कर्मों के बारे में आपके लिए बता रहा है, ये कहीं ना कहीं कर्मा के बारे में बता रहा है गाइस। कि जैसा अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर्मा किया है या कुछ भी किया है ना, गलत किया है, उनको भी उनके कर्म का फल मिला। मतलब इनडायरेक्ट वे में एक जस्टिस की बात का कहना गाइस। यहाँ कह सकते हैं गाइस कि यथार्थता की धरातल पर आकर किसी इंसान के सामने वो परिस्थितियाँ आ जाना जो वो वाकई में समझना चाहता है,
अब ये मैंने बड़ा इनडायरेक्ट वे में एक बड़ा मैसेज किया कहा है, इसे मैं क्लियर करती हूँ कि मैंने क्या कहा, कि आपको उस स्थिति में सब चीज़ों का आभास हो जाना जो वाकई में छुपी हुई थी, है ना, जो वाकई में रहस्य वाली थी, जो कई बार मून का कार्ड भी आकर कहता है गाइस। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ों का खुलकर ओपन हो जाना और यथार्थता के धरातल पर आकर उन चीज़ों में सुधार होना, मतलब कि जो बिगड़े हुए हालात हैं उनमें भी सुधार हो जाना, चीज़ें काबू में आना गाइस, है ना, नियंत्रण में आना, जहाँ आपको चीज़ें छूटती हुई नज़र आ रही थी ना कि अब तो लाइफ से चीज़ें छूट रही है, वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके नियंत्रण में आना, काबू में आना, कि भाई परिस्थितियाँ अब बेहतर की तरफ जा रही है। अगर किसी इंसान के मुंह से ये शब्द निकल जाए तो वो समझ सकता है कि हाँ मेरी लाइफ में अब चीज़ें ठीक हो रही है, चेंजेस की तरफ बढ़ रही है। चेंज देखोगे आप, और चेंज देखोगे चैन में, चैन कैसे, कड़ियों के रूप में गाइस। कुछ आपकी लाइफ की पूरी नकारात्मकता की कड़ियाँ टूटेगी जो बहुत परेशान कर रही थी आपको, बहुत दुख की दुख दे रही थी, आपके इमोशनल इमोशनली आपको चोट पहुंचा रही थी ना, ऐसी कड़ियां टूटने वाली है। मतलब कह दो गाइस कि ये 2-3 महीने जो है ना, ये आपके लाइफ में जस्टिस वाले हैं, रियली गाइस। चाहे आपने कोई काम किया हो, उसमें मेहनत दी हो, उसका परिणाम ना मिला हो, लेकिन ये जस्टिस का टाइम चल रहा है, जजमेंट का टाइम चल रहा है, तो आपके साथ जस्टिस होगा कि आपके आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड मिल जाए या आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिले आपको। पैसा देखना, पैसा आने का रास्ता बनेगा गाइस। 8 नंबर जो है ना, ये अबंडेंस की भी बात करता है, एक ठहराव की भी बात करता है, स्थिरता लेकर आता है लाइफ में, स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो मानकर चलो गाइस कि ये 2-3 महीनों में कुछ खुशी वाले पल आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, पैसों के सोर्सेस बनेंगे, कोई हो सकता है काम की शुरुआत भी कर लो, बुद्धि काम देगी आपको, है ना, समझ बहुत काम आएगी आपकी। ओके, ये देखो 8 के बाद में नंबर 9 का कार्ड, मैंने कहा ना फॉरवर्ड हो रही है आपकी लाइफ, आगे फास्ट आगे बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा मन का सुकून वाली बात, मैंने कहा ना यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी, यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी है। देखो पैसों को लेकर हो सकता है आउल आपको नजर आता होगा, सुनना, देखो है क्या चीजें कि मन को खुश करने वाली चीजें आपके साथ घटित होने वाली है, बिल्कुल वो जो आप चाह रहे थे, जैसा वो गाना है ना, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, सारी दुनिया पर जीते जाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है कि जो मैंने जो चाहा वो मुझे मिल रहा है, उस तरीके से लाइफ का आगे बढ़ना, है ना। यहाँ पर क्या है कि अबंडेंस पूरी तरीके से मिलना, ये मैंने कहा ना कि कोई ब्लेसिंग कोई गिफ्ट हो सकता है मालिक की तरफ से आपको मिले, ये यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। और नंबर 8 और उसके बाद में 9 का कार्ड, मतलब क्या है, अबंडेंस भी मिलना, प्रॉब्लम का भी खत्म होना, और जो मैंने कहा कि सपने में आपको वाटर की एनर्जी नज़र आ रही होगी, डेफिनेटली गाइस ये आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर एक सक्सेस की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, साथ में आपकी हीलिंग भी करता है। हीलिंग किस बात की, कि जिस बात को लेकर दुखी हो, जिस बात को लेकर आपको तकलीफ मिली है ना, उस तकलीफ को निकाल दिया जाए आपकी लाइफ से। यहाँ पर भी पानी की एनर्जी, यहाँ पर भी पानी की एनर्जी, वाटर की एनर्जी, इतनी ज़्यादा विश का फुलफिल होना, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना गाइस, है ना। और कहीं ना कहीं कह दो गाइस कि आपका शुक्र जो है ना, ये वीनस जो है ना, इतना बलवान हो जाए कि आप में आकर्षण की क्षमता बहुत अधिक होगी। आकर्षण किस बात का, कि पैसा खुद आए आपके लाइफ में, वो भी जैसे ये भी कार्ड कहता है कि सामने से कुछ चीज़ें चलाकर, किस्मत का कोई इतना प्रभावशाली हो जाता है ना गाइस, कि एक जो मैं कहती हूँ आपको खुशियों के चुंबक, वाकई में वो चुंबक वाला काम करोगे, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, आकर्षित करोगे, आएगी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, खुशी आए आपकी लाइफ में, अबंडेंस आए आपकी लाइफ में। ये मैनिफेस्ट किया है गाइस आपने, या अफर्मेशन की है आपने, मेहनत बहुत की है, मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो फेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, एक डिवाइन टाइम के साथ में, एक ब्लेसिंग के साथ में, इसके लिए अगर आप कहीं ना कहीं ही आपको कोई सोर्स नहीं मिले ना, असहाय फील कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ अपनी तरफ से की है, दो चीज़ अपनी तरफ से की है, वो है या तो मैनिफेस्ट करना या अफर्मेशन करना। और ये चीज़ें कहते हैं ना गाइस कि ये पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव परिस्थितियों में भी आपके काम कर गई, देख लो अच्छा बोला हुआ कहाँ काम आता है,
उस टाइम लगा ना कि क्या मैम कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, कुछ ना कितना भी अफर्मेशन कर ले, उसका कोई परिणाम नहीं आता, वो जीरो में जाता है। कहाँ जीरो में जाता है गाइस, ये उस टाइम हमें पता नहीं चलता, ये आगे देखो किस तरीके का भविष्य लेकर आता है ना। प्रार्थनाएं खाली जाती ही नहीं, दुआएं कभी खाली जाती नहीं, लक्ष्मी का ठहराव आना गाइस, ऐसी अच्छी लक्ष्मी आना जो पर्सनल लाइफ को भी सुखमय बना दे, है ना, जो हमारे व्यक्तिगत निजी मामलों में भी सुधार लेकर आए, हमारी कोशिशें अच्छी रहे, हमारे काम अच्छे चले, है ना, वो चीजें। और एक ये ब्लेसिंग, ये आपके लिखी हुई है, कोई मिलेगा, मिलेगी आपको ब्लेसिंग बिल्कुल जैसे जिस तरीके की आप चाहते हो वैसे, है ना। और ये जो बचा हुआ 2-3 महीने जो है ना इस ईयर के, तब देखना डेफिनेटली आपकी कोई प्रॉब्लम इस तरीके से छूक हो जाएगी आपकी लाइफ से, जो आपको लगता भी नहीं था, जितनी मुश्किल लग रही है ना वो प्रॉब्लम, उतनी आसानी से वो खत्म होगी। सच कह रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा वो प्रॉब्लम कब लग से निकली, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस इतना इतना बड़ा होना है ना, और आपका ध्यान भटकाना उन परिस्थितियों से, और जैसे ही आपका ध्यान उन परिस्थितियों से हटता है प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ा देना है। ये है खुशियों का स्वागत करने वाली परिस्थितियों का बनना गाइस, है ना जी। नंबर 8, ओ माय गॉड, पहुंच गए ना, मैंने कहा ना नंबर 8 8 8 तक पहुंच जाओ गाइस। लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, जिंदगी आपसे चाहती क्या है, कुदरत आपको क्या समझाना चाहती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वाटर की एनर्जी देख लो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इतने बड़े चेंजेस देखोगे आप, उम्मीद से परे होगा आपके। अनएक्सपेक्टेड रिकवरी आपको दिखेगी। ऐसी यात्रा पर चल पड़ोगे गाइस जहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपका पथ प्रदर्शक खुद मालिक करे, आपका पथ प्रदर्शक खुद मालिक बने, है ना, आपको प्रोटेक्शन भी मिले, काम भी आपका अच्छा चले। बहुत बड़े बदलाव देखोगे गाइस, यहाँ पर छोटे बदलावों के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर किसी इंसान का मालिक की ब्लेसिंग को स्पष्ट महसूस करना कि बहुत मुश्किलों से, बहुत प्रार्थनाओं के बाद में मुझे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा प्राप्त होने को आया है, अब मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। जिस राह पर आपकी किस्मत आपका साथ देना, उस राह को आप चुनोगे, देखना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखो 8 8 की एनर्जी जो है ना, अगर ये दिखती है आपको, यहाँ बहुत लंबे समय से दिख रही है 8 8 8 8 8 की एनर्जी, मानकर चलो गाइस अगर ये आपको दिखना स्टार्ट हो गई तो दुख आपकी लाइफ से जड़ से खत्म होना तय है। ये दुख आपकी लाइफ में पलट कर कभी भी नहीं आएगा। 8 8 और 8 8 जो है ना, लाइफ को चेंज करने वाले नंबर है गाइस। दुख पूरी तरीके से खत्म, पीड़ा पूरी तरीके से खत्म, है ना, आप में वो बदलाव आ जाना गाइस कि इन सब चीजों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाओ, जो आपने अपने अपने में ये बदलाव कभी नहीं देखा था, आपको इतना बलवान बना देना, आप में इतनी पावर लेकर आ जाना, आपका आत्मविश्वास भी बढ़े, आप सही डगर को भी चुनो, सही राह पर भी चुनो, आपकी लाइफ आसान हो, आपके रास्ते आसान हो, जिसमें कोई मार्ग में बाधक ना बने। और हर समय कहते हैं ना कि आपको सपोर्ट का मिलना, यहाँ पर कि सपोर्ट इतना मिलना कि आप खुद बिलीव करो मालिक पर। एंजल साइन आपको बहुत दिखेंगे गाइस। और मैं एक बात कह दूँ कि अगर पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में होना, और अगर नंबर 8 8 8 दिख रहे हैं कि मैम बहुत लंबे समय तक देखे हमें, इसका परिणाम हमें कुछ भी नहीं मिला, इसका परिणाम आपको अब मिलेगा, देखना अब मिलेगा, इसका रिजल्ट आपके सामने अब आएगा, देखना, और ऐसा रिजल्ट आएगा जो आप बहुत खुशी फील करोगे। एक बात और कह दूँ मैं आपको, आपका कोई बहुत बड़ा काम बनेगा गाइस, बहुत बड़ा काम कह लो, एक कोई बड़ी विश कह लो गाइस, यहाँ तो आपके मकान को लेकर हो सकती है कि वो आपको आपका मकान बने, या आप खरीदना चाहते हो उस काबिल आपकी स्थिति हो जाए वो होगा, ठीक है। एक एक मैं कह दूँ कि जैसे एक मैं बात कहूँगा इसकी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर आपकी दो विश
या कोई दो मुराद पूरी होगी, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे इससे ज़्यादा की संभावनाएं लग रही हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है कि किसी बच्चे ने जितनी अपनी प्रार्थनाएं की है ना, या जितनी अपनी मुराद मालिक के सामने रखी है ना, एक निस्वार्थ भाव से और एक सरेंडर करके, वो बच्चा अपनी उम्मीद से ज़्यादा पाता है। यहाँ एक बात लग रही है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी मुरादों का पूरा होना, दोनों ही मामलों को लेकर गाइस, ग्रोथ मिलने। यहाँ मैंने कहा ना, कोई बड़ा काम बन जाना, या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई इच्छा आपकी है, जैसे शादी को लेकर हो सकती है, या अपने बच्चों की शादी को लेकर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या अपनी हेल्थ को लेकर, जो आपसे रिलेटेड है, समझना इस बात को, जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे जुड़ी हुई ख्वाहिश है ना, जो आपको हील करती है, आपके दुख को कम करती है, वो पूरी होगी। ये प्रॉब्लम के ख़त्म करने के साथ साथ नाइन ऑफ कप्स के बारे में बात करता है ना, मतलब कितने सारे कप्स का भरा जाना, इच्छा तो डेफिनेटली पूरी होगी गाइस। बहुत बड़ा काम आपका कोई बनेगा मालिक की ब्लेसिंग के साथ। ओके, मेमोरीज ऑफ लव। देखो गाइस, चीज़ें अच्छी अच्छी बनेगी, बेहतर बनेगी, परिस्थिति अच्छी बनेगी। सिक्स का कार्ड भी क्या कहता है, सफलता के बारे में। अब अबंडेंस कब मिलेगी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कोई काम का भी आपका बन जाना, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इन आने वाले समय में आप यहाँ तो कोई नए काम की शुरुआत करोगे, यहाँ कोई बहुत बड़ा एक्शन लोगे गाइस, और वो एक्शन, जैसे ये कार्ड भी कहता है, वो एक्शन इतना सफल रहेगा आपका कि आपकी लाइफ को रोशन कर देगा, आपके रास्ते में जो भी बाधाएं बनी हुई है ना, उन बाधाओं को दूर कर देगा। कुछ पल आपकी लाइफ में इतनी सफलता के, इतनी खुशी के लेकर आएगा, मतलब कहते हैं ना कि अपने दिमाग में वो मेमोरीज जो होती है ना, वो कैप्चर हो जाए, वो पल कैप्चर हो जाए, जो हम अकेले भी बैठे हुए होते हो ना, तो हमें वो याद आए तो हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ उठे, है ना। वाटर की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको कि रेस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी, पहला ये। दूसरा, फिनेंशियल मैटर को लेकर ग्रोथ और सक्सेस, ये डेफिनेटली 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 आपकी ये पीड़ा जो है ना, ये तकलीफ है ना, ये खत्म हो जानी है। काम नहीं है, काम मिल जाना है, का इंटरव्यू देकर आए हो, डेफिनेटली आपके लिए कोई अच्छा मैसेज कॉल आने की संभावना है, रेस्पॉन्स अच्छा मिलने की संभावना है, ठीक है, जॉब लगने की तक की संभावना है, और अगर कोई नया काम बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली देखना, डेफिनेटली जो भी काम में कहते हैं ना कि हाथ डालोगे ना, उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, ये आपकी डेस्टिनी है गाइस, जिस और आपको मालिक ले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर एक बर्ड जो है ना, आपकी नाव जो है चल रही, नैया चल रही है, और वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये एंजल साइन आपको बहुत नजर आएंगे, देखना कंटिन्यू में ये रास्ते को प्रशस्त करेंगे, कहीं ना कहीं उनका अर्थ भी समझ में आना, जैसा मैं क्लियर कर करके बताती हूँ ना गाइस। तो हो सकता है नंबर 888 ये लाइफ में अच्छा हो जाए, लेकिन उसके बाद में भी कंटिन्यू में रहेगा, दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा, ये इस वजह से देखेगा कि अभी तो इसकी शुरुआत है गाइस, आगे तो लाइफ में और भी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होने लिखी हुई है। मैंने क्या कहा कि आप शायद एक या दो विश के बारे में सोच रहे हो, हमने टॉपिक लिया है कि दो विश आपकी क्या पूरी हो सकती है, क्या संभावनाएं बनती है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डेफिनेटली विश तो फुलफिल होगी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है ना। यहाँ पर कोई गलतफहमी को दूर करना चाहता है, परिवार में शांति चाहता है, मैरिज में शांति चाहता है, उनमें सुधार चाहता है, वो होनी तय है। एक बात है फिनेंशियल मैटर को लेकर, उसमें भी सुधार तय है गाइस, ये समझना। मैं एक एक कार्ड को इस वजह से समझा कर आपको बताती हूँ कि आपको ये तसल्ली ना लगे, ये जो आपकी खुद की किस्मत है ना, उसके बारे में बता रही हूँ गाइस, कि यहाँ एक दो बीच के बारे में बात करो, यहाँ पर देखो एक के बाद एक होगी गाइस, कदम दर कदम आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी है। दिसंबर तक आते आते कोई बहुत बड़े मामले में विक्ट्री का पा जाना, नंबर 6 का कार्ड भी यही कहता है, सफलता का मिलना, विक्ट्री का मिलना, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि कुछ ऐसी समय में आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम खत्म होगी इन 2-3 महीनों में,
आपको सच में लगेगा कि मुझे नहीं लगता था ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, और ये भी अचानक से, ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा भी होगा ना, तो आपको बिलीव करने में एक बार जो है ना थोड़ा झिझक होगी। सच कह रही हूँ, जैसे मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव में किसी इंसान की लाइफ चलती रहती है ना, तो वो अगर खुशी भी आए ना, तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, या फिर इतना बिलीव नहीं करना कि ये लाइफ में हमेशा के लिए रहेगी। ये एक डरा हुआ बच्चा का दिल जो है ना, वो धड़कते हुए उनको कहता है कि अब इतना खुश मत होना, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है हंसने से, मुस्कुराने से, कि ज़्यादा हंस ले मुस्कुरा ले तो तकलीफ़ ना मिल जाए कहीं। आपके मुस्कुराने से आपको तकलीफ़ नहीं मिलेगी, आपके मुस्कुराने से, आपके खुश होने से आपकी आने वाली जो ब्लेसिंग है ना, वो और गति से आपकी तरफ आएगी। तो जितना मुस्कुराओगे, जितना खुश रहोगे, जितना बाहें फैलाकर अपने सौभाग्य का, अपनी किस्मत का वेलकम करोगे ना, अपनी विश जो पूरी होने वाली है, यो जो सूर्य उदय हो रहा है ना, भाग्य उदय हो रहा है ना, उसका बाहें फैलाकर स्वागत करोगे ना, उतनी शीघ्रता से आपकी लाइफ में काम बनेंगे गाइस। तो मैं तो एक बात कहूँ कि आज से, अभी से, रीडिंग देख रहे हो तब से, उस पल से मुस्कुराना स्टार्ट कर दो। 2 दिन में बनने वाला काम 1 दिन में बने, और 1 दिन भी क्यों लगे, 1 घंटे में बने, है ना। हम इतना भी समय क्यों खराब करें, पहले भी बहुत खराब हो चुका है। सही कह रही हूँ ना, आपकी मुस्कुराहट आपकी खुशियों की चुंबक बन जाओगे मेरे शेर। तो जो मैं कहती हूँ ना कि खुशियों के चुंबक वो बन के दिखाओ, ये एक के बाद एक आप अपनी विश को पूरा करोगे। यहाँ पर 2 विश का पूरा करने का कहाँ गया, और मेरे खुशियों के चुंबक देखो अपने आकर्षण क्षमता को इतनी बढ़ाएंगे, मेरे पास सारी खुशियाँ आनी चाहिए, मैंने दुख बहुत भोग गए हैं मालिक, शिकायत थोड़ी बहुत की है, फिर खुद को बैलेंस भी किया है। और विश पूरा होने के बाद में कहता है ना हाथ जोड़ करके, थैंक यू मालिक आखिरकार मेरी मुराद को पूरा करने के लिए, मेरी लाइफ में भी मुझे खुशी देने के लिए, मुझे गिफ्ट देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये वो वाला ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो फील हो रहा है जो अंतरात्मा से कोई इंसान कहता है ना, एक दुआएं देता है ना कि मालिक चलो आखिरकार अच्छा हो गया मेरी लाइफ में। ये उस बात के बारे में है गाइस। आपका मन बहुत खुश रहने वाला है, एक कहता है ना कि मन की मैच्योरिटी इतनी आना, बहुत कहता है ना कि सबक सीख सीख कर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं सच कहूँ ना शब्दों में नहीं आ रही है, ये होंगी देखना, ये फलीभूत होंगी, डेफिनेटली होंगी। अवेयरनेस, अवेयर क्यों किया जा रहा है, ये दस्तक दे रही है आपकी लाइफ में, ये आपका मन जो है ना, ये आपको अवेयर कर रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है बेटा, है ना। आपका मन आपको कह रहा है, सच कह रही हूँ। हाँ, जैसे कि अकेले बैठे हो और कोई समझ में नहीं आता ना कि कोई हमें तसल्ली दे या कोई समझाए हमें, हमारा मन हमें समझाने की कोशिश करता है। आपकी अभी इंट्यूशन का लेवल, और यहाँ पर अगर इंट्यूशन भी आपको नहीं हो रही ना, तो एक बात नोटिस करना, जब अकेले बैठे हो या पूजा कर रहे हो या जिनको भी आप मानते हो ना, उनको ध्याते हो या उनका स्मरण करते हो ना, आपके सर पर यहाँ पर देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, यहाँ पर हल्का हल्का सा कुछ हलचल, कुछ फील होना गाइस, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गाइस जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता, वो इतने मासूम होते हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए होते हैं। तो क्या वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, क्या एंजल साइन के बारे में, या क्या मालिक के ब्लेसिंग के बारे में उन्हें कुछ समझ में आता है, वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, मेरी लाइफ आसान कर दो मालिक, है ना, मेरी लाइफ से तकलीफ ख़त्म कर दो, मैं अच्छे से जी पाऊँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर कहाँ जा रहा है आके, आपको ये पता चल रहा है, मतलब आपके अंतरात्मा को, कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मन बता देता है गाइस। यहाँ पर अवेयर होने के लिए कहाँ जा रहा है, कि बिल्कुल अवेयर हो कि आपके लाइफ में क्या कुछ चीज़ें अच्छी आने वाली है, क्या बड़ा जस्टिस होने वाला है, क्या बड़ा मिरेकल होने वाला है, क्या बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अचानक। और एक कोई ख्वाहिश पूरी हो कि वो इतनी शुभ हो, इतनी शुभ हो कि वो और ख्वाहिशों को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद कर जाए, और फिर उस ब्लेसिंग को, उस खुशी को याद रखो कि मेरी ये खुशी ने, ये खुशी क्या आई मेरी लाइफ में, ये इस खुशी ने अब मेरी लाइफ में क्या कदम रखे कि मेरी लाइफ को बदल दिया, संवार दिया मेरी लाइफ को, है ना।
वो उस बात के बारे में कहाँ जा रहा है। और हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड रखना गाइस, छोटी छोटी भी मुरादें आपकी पूरी होना स्टार्ट हो जाती है ना अभी, कि मन में कुछ सोचा और वो पूरी हो रही। इच्छा शक्ति प्रबल रखना। और ये देख लेना इन दिनों में, देख लेना आप, ये देख लेना इन दिनों में कि आप जो भी कुछ भी मन में सोचोगे ना वो जल्दी से पूरा हो जाना, मतलब अच्छा है ना, पॉजिटिव सकारात्मक का, वो नहीं है, वो डर वाला नहीं रखना कि मैंने गलत सोचा या गलत बोल दिया तो वो फल जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। पहली बात तो गलत बोलना ही क्यों, गुस्से में भी अपने बारे में इतना अच्छा बोलो जिसकी कोई सीमा नहीं, ताकि गुस्सा भी ना आए, है ना। गुस्से में अपनी एनर्जी का, जैसे कहता है ना कि वो बहुत पावर में होती है, उस समय में अपनी एनर्जी का इतना सदुपयोग करो गाइस कि दोबारा कोई नेगेटिविटी आप पर हावी ना हो, या आपके शब्दों से आपके विरुद्ध कुछ बात को बुलवाए ना। जितना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मन करता अपने बारे में बहुत गलत बोले, तब उस टाइम अपने बारे में इतना अच्छा बोलना, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान, मेरी विश पूरी हो रही है, मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा, बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। ये बोलना, गुस्सा आएगा ही नहीं देखने दोबारा, कोई नेगेटिविटी हावी होगी ही नहीं, ये तो गुस्से का भी अच्छा उपयोग कर ले रहे हैं। ये देखो कहा ना, थोड़े खास रहेंगे गाइस, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की स्ट्रेटजी, ये आपकी लाइफ में चलना, फेटर चीज़ें जो भाग्य की, किस्मत की, आपके हक की है, वो आपके पास लेकर आना। कोई बड़ा सेलिब्रेशन, कोई बड़ी जीत मिल रही है गाइस, एक हिडन कुछ बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग है गाइस आपके लिए। जितनी भी आपने विश चाहिए ना, वो पूरी होने के साथ साथ कोई बड़ी विक्ट्री भी आपको मिलेगी गाइस। सेलिब्रेशन 3 महीनों में डेफिनेटली, कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का, लाइफ को लेकर, लेकिन आप बड़ा सेलिब्रेशन करोगे डेफिनेटली इन 2-3 महीनों में, देखना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में देखना एक कहते ना धमाकेदार सुधार, वो देखोगे आप, एक नई शुरुआत 2-3 महीनों में ये डेफिनेटली होगी। कॉम्प्रोमाइज जितने भी किए हैं, सेक्रीफाइस जितने भी किए हैं, उनका रिवॉर्ड, मैंने कहा ना गाइस, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर मिरेकल की संभावना है, मैंने कहा है गाइस, मुझे ऐसा लगता है, एनर्जी बता देती है ना। इन 2-3 महीने जो भी बचे हुए हैं ना इस साल के, मैं आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस होंगे, इतनी अच्छी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, इतनी खुशी आपको मिलेगी कि अगर 2024 में आपको कोई पूछे ना कि कैसा बीता आपका 2023, कि जाते जाते मेरी लाइफ को चेंज कर गया, या जाते जाते इतना अच्छा बीता, मतलब मैं इसको भूल भी नहीं सकती, भूल भी नहीं सकता, है ना। डेफिनेटली गाइस देख लेना, कुछ अच्छा, कुछ कुछ बहुत अच्छा आपके उम्मीद से परे आपकी लाइफ में होगा, आपका ध्यान कहीं और होगा और मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, है ना। ये मैंने कहा ना कि जैसे ही जिन परिस्थितियों से आप ध्यान हटाओगे, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे गाइस, अचानक से। मतलब कभी कभी होता है कि ग्रह इतने सपोर्ट में काम कर जाते हैं जिनकी हमें कल्पना नहीं होती गाइस। बिखरी हुई चीज़ों को कब समेट दिया जाता है ना, कब सुधार कर दिया जाता है, या कैसे सुधार हो जाता है, कुछ चीज़ों में सुधार की हमें संभावना नहीं होती, उन चीज़ों में भी सुधार हो जाता है, ये देखो। मौके भी आएंगे आपकी लाइफ में, और कह रही हूँ ना, चीज़ें ऐसी अच्छी आएगी गाइस कि आपका थोड़ा बिलीव करना उन पर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वाकई में कहता है ना वो अच्छी होंगी। अगर लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं इन पर बिलीव करूँ नहीं करूँ, अच्छे लोग हैं या नहीं, पर लोग भी अच्छे आएंगे आपकी लाइफ में। ये देखो, जब कहता है ना ट्रस्ट उठ जाता है ना, या आप पीछे पीछे भागना, किन्हीं चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, तब चीज़ें खुद सामने से आती है, ये बिल्कुल वैसा है। अब सेलिब्रेशन के पीछे नहीं भाग रहे हो, मन थोड़ा इतना कंट्रोल में आ गया, अब कहाँ जा रहा, अवेयर रहो, अवेयर किस बात के लिए, समझो इस बात को, अवेयर किस बात के लिए कहाँ जा रहा है, क्योंकि लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है जिसके बारे में आपका दिल गवाही दे रहा है आपको कि भाई सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, अभी दूर दूर तक ना दिखे, कब कितना पास आ जाए, कब कब लाइफ में एंटर हो जाए, कब आप सेलिब्रेशन मनाओ पता भी नहीं चलेगा गाइस। यही देखो, इसके लिए अवेयर रहने को कहा जा रहा है, ये मिरेकल की तरह काम करेगा आपके।
ओ माय गॉड, ऐसे चीजों में मिरेकल देखने को मिलेगा, इतना बड़ा मिरेकल देखने को मिलेगा गाइस, जहाँ चीजें कहते हैं ना पूरी एंड हो गई है, जो आपको लगता है कि इनमें वापस से जान नहीं आ सकती, या ये मामला तो इस लाइफ में कभी भी नहीं सुधर सकता, वो मिरेकल देखोगे आप, ये दिसंबर तक में देख लेना गाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, एक नहीं दो, यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपके मन में गिव अप वाला भाव आए गाइस, गिव अप कर दो, मतलब किसी के मन में है गाइस, ठीक है, थोड़ी सी तसल्ली रख लो, है ना मेरे शेर, इतनी हिम्मत रखी है लाइफ, अगर देखो सच कह रही हूँ कि समय बड़ा कीमती होता है, मैं समझती हूँ इस बात को, ठीक है, अभी जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, सिर्फ इतना इंतज़ार किया है ना, और मैं यही नहीं कहूँगी कि दिसंबर आने पर आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा, मैंने क्या कहा है कि ये जाते जाते 2023 जो है ना, ये आपकी लाइफ को बदलेगा, मतलब क्या है कि सुधार तो अभी होगा, जैसे ये कह रहा ना मोमेंट टू मोमेंट लाइफ का आगे बढ़ना, तो ऐसी चीज़ें जो आपको लगती है कि इम्पॉसिबल है कि इस जन्म में ठीक होगी, या इम्पॉसिबल है आपको कोई विश मिल, आपकी कोई विश पूरी होगी, या इम्पॉसिबल है कोई ऐसा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा या आपकी लाइफ में आगा आएगा, वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी, वो आपके नसीब, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देगा, वो मिरेकल बनाकर लेकर आएगा, आपकी मुस्कुराहट सिर्फ आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आप जितना मुस्कुराओगे ना, जितना अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आओगे, उतना अवेयर हो जाओगे और उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में खुशियों को आकर्षित करोगे, बस अगर इतने लाइफ में उपाय किए हैं ना गाइस, एक ये उपाय करके देख लो बस, आपको और कुछ भी नहीं करना कि बार बार प्रार्थना ही करनी है, एक बार प्रार्थना कर लो, उसके बाद अपनी खुशी पर भी ध्यान देने की कोशिश करो, खुद को संवारने की कोशिश करो गाइस, यहाँ पर अवेयरनेस का मतलब क्या है कि रेडी हो कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आपको एंड वाली सिचुएशन दिख रही है, जो ऐसा लग रहा है कि दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए, क्या सुधार हो पाएगा, क्या जर्नी मिलेगी, आगे का रास्ता मिलेगा, मालिक के पास हर समस्या का समाधान होता है, हमारी इच्छाएं शायद उतनी बड़ी नहीं होती जो मालिक के ब्लेसिंग बड़ी होती है, एक बात को हमेशा दिमाग में रखना, यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपकी ख्वाहिशें मालिक आपकी उम्मीद से ज़्यादा पूरी करेंगे, है ना, तो अभी से खुद को संवारने की कोशिश करो, खुश रखने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ को लेकर अगर कुछ आदतें सही नहीं है उनको ठीक करने की कोशिश करो, मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करो, ये चीज़ें जितनी करोगे ना गाइस अभी इन दिनों में, सिर्फ क्या है कि खुद पर फोकस करना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर लो अभी इन दौरान, और खुद के बारे में अच्छा बोलो, ठीक है, और ये करोगे ना और चेहरे पर स्माइल रखोगे, मुस्कुराहट रखोगे ना, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्माइल से आपकी लाइफ की नकारात्मकता भागती है, आपकी लाइफ की नकारात्मकता हो चाहे बुरे लोग हो, उनको आपकी मुस्कुराहट से बहुत बड़ा भय है, खौफ है ना, तो कहते ना कि कभी कभी समस्या का समाधान बहुत आसान होता है, हमें पता भी नहीं होता है। और हम भटकते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए, और जिसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है ना, भगदड़ भी बहुत होती है, यहाँ क्या है, बैठे बैठे अभी बैठे बैठे मुस्कुराओ, क्या पता 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, शाम तक में कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई अच्छी अच्छी बात हो जाए लाइफ में, और बिलीव भी रखना कि मेरी मुस्कुराहट से मालिक बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना जी, ये देखो मैंने कहा ना गाइस, आपके मुस्कुराहट नेगेटिविटी को भगाती है, चाबी का काम करती है, एक बार ट्राई करके देखो मेरे शेर, कभी कभी होता है गाइस कि हमें पता नहीं होता कि चाबी क्या है, चाबी हमारे पास ही होती है, हमें पता नहीं होता, वो चाबी मिली है ना आज गाइडेंस के रूप में, है ना, फर्स्ट टाइम इस तरीके से रीडिंग में फर्स्ट टाइम आया है, उसको प्रयोग करो, ये नेगेटिविटी को भगाओ अपनी लाइफ से,
और ये नेगेटिविटी चली जाएगी, दरवाज़ा बंद कर दो, फिर देखो मालिक की ब्लेसिंग किस तरीके से मिलती है, चमत्कार किस तरीके से होते हैं, किस्मत का पहिया आपकी तरफ किस तरीके से घूमता है, किस्मत कितने साथ दे जाती है, ये देखो प्रेयर का कबूल होना। तो सचेत रहना, जागरूक रहना और रेडी रहना मिरेकल के लिए, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।